नमस्कार दोस्तों, अगर आपने एक बूटेबल पेन ड्राइव बना रखी है और आप उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करोगे, आज इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। क्या होता है दोस्तों, हम डायरेक्ट अपनी पेन ड्राइव को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी पेन ड्राइव है यहाँ पे, जिसके अंदर विंडो डली हुई है, और हम यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसे डायरेक्ट फॉर्मेट कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी पेन ड्राइव क्रैश हो सकती है। आपको अपने पेन ड्राइव को प्रॉपर रूप से फॉर्मेट करने का तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपकी पेन ड्राइव का जो स्पेस है वो पूरा पूरा यहाँ पे नॉर्मल रूप से आपकी पेन ड्राइव भी नॉर्मल हो जाएगी और उसका जो स्पेस भी आपको पूरा मिल जाएगा और आपकी पेन ड्राइव कभी ख़राब भी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं आज किस प्रकार आप एक बूटेबल पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना हो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरी विंडो की जो विंडो डाली हुई है, यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव है, जिसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर सेटअप दिखाई दे रहा है और ये सारी विंडो की फाइलें हैं। अब हमें इसे नॉर्मल पेन ड्राइव बनाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके स्टार्ट बटन पे जाना है, और यहाँ पे अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो, अगर विंडो 11 है तो आप विंडो वाले बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने ये आ गया कमांड प्रमोट। ठीक है, कमांड प्रमोट को ओपन करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, और ये आपको यस कर लेना है। ठीक है, यस करने के बाद दोस्तों आपकी देखिए आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से है। आपको यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करनी होगी, जिसकी मदद से आपकी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट होगी। कैसे होगी तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ, और जो भी मैं टाइप करने वाला हूँ वो सभी आपको जो लिखा हुआ है, यानी कि जो जितने भी टेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर पहले हम करते हैं डिस्क पार्ट। ठीक है, DISK डिस्क PART। ठीक है दोस्तों, आपको ये इतना टाइप करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे टाइप करना है LIST लिस्ट और फिर DISK डिस्क। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके कंप्यूटर में डिस्क है वो सभी के सभी आ गई। देखिए जीरो के अंदर आ गया आपका 931 GB, यानी कि जो मेरी हार्ड डिस्क है 1 TB की है, और जो एक नंबर पे ऑनलाइन आ गया 476 GB, जो मेरी SSD है वो आ गई है, 500 GB की SSD है वो आ गई, और दूसरे नंबर पे डिस्क टू पे आया है ऑनलाइन 14 GB, जो मेरी पेन ड्राइव अभी लगी हुई है। ये देखिए ये मेरी 14 GB पेन ड्राइव है और ये यहाँ पर लगी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, इस जो दो नंबर की जो डिस्क है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है, एक दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो भी जितने भी स्पेलिंग है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये सभी कमांड है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इनको अपने किसी भी नोटपैड में ओपन करके रख लेना और अपने पेन ड्राइव को नॉर्मल बना लेना। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो और ये कमांड वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो सब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क पार्ट टू। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप करने के बजाय मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने देखो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, ओनली राइट। ठीक है, राइट क्लिक किया, ये यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क पार्ट टू, आपको ये ध्यान रखना है आपकी कौन सी डिस्क है। ठीक है, देखिए मेरी यहाँ पर दो नंबर डिस्क थी जो 14 GB है, जो मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है, तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिस्क टू इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। देखिए आपके सामने ऐसा कुछ लिखा आएगा, अगर कुछ आपने गलत टाइप किया तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसको करना है क्लीन, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है CLEAN क्लीन। ठीक है दोस्तों, क्लीन, ये देखिए यहाँ पे आपने क्लीन टाइप किया, ऊपर देखो पेन ड्राइव यहाँ से गायब हो गई है क्लीन टाइप करते ही। एक बार आपकी पेन ड्राइव यहाँ से गायब हो गई आप ऊपर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको एक और कमांड यहाँ पे टाइप करनी है, ये सभी कमांड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी ये आपको टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। देखिए स्पेलिंग देख लेना, जो ये कमांड है सभी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है, देखिए डिस्क पार्ट्स सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये पॉपअप आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपकी USB तो आ गई है ऊपर, पर वो अभी बिल्कुल खाली है, यानी कि ओपन ओपन नहीं होगी, ये आपके सामने कुछ ऐसा दिखाएगा। तो अब आपको दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये आगे वाली जो कमांड है
जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। देखिए एक बार कमांड देख लीजिए, फॉर्मेट स्पेस fs, फिर जो इक्वल टू का निशान है, फिर उसके बाद है FAT32, फिर उसके बाद स्पेस, फिर क्यूक, ये टाइप करके आपको इंटर प्रेस करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 0% कंप्लीट दिखा रहा है। जब तक आपकी यहाँ पर 100% ना हो तब तक आपको इसको काटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, आपको बीच में नहीं काटना है, आपको यहाँ पर ये 100% होना चाहिए। देखिए 100% हो गए हमारा, और हमारी यहाँ पे डिस्क सिलेक्ट भी हो गई, यानी कि जितनी हमारी, अब इसको हम काट देते हैं एक बार। काटने के बाद देखिए दोस्तों, हमारी जो USB है वो देखो हमारी 14.3 GB की थी, और 14.3 GB हो गई है हमारी USB, बिल्कुल यूज करने के लायक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने पेन ड्राइव, जो बूटेबल पेन ड्राइव है, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी पेन ड्राइव को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसको डायरेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट कर देते हो, तो आपकी पेन ड्राइव में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपकी पेन ड्राइव खराब हो सकती है। कई बार चांस ऐसा होता है कि खराब नहीं भी होती है, पर यह एक जेन्युइन और सही तरीका है पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आपको आगे इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।